तर्सङ्गिन अब लाग्यो फेरि मिथिलातिर मिथिलामा शिक्षा वास्तवमा शिक्षाको अवस्था के रहेको छ खास गरी मिथिलाको अधिकांश गाउँघरमा खोलिएको स्कुलहरूमा हेर्दाखेरि त्यति राम्रो अवस्था देखेको छैन हुन त स्कुलको हिसाबले हेर्ने भने शिक्षाको अवस्था राम्रो छ मान्न सकिन्छ तर भित्र चाहिँ के रहेको छ त खासकर तराई क्षेत्रमा कहल जाए वा मधेस क्षेत्रमा कहल जाए त शिक्षाको अवस्था जरूर नाजुक छै सरकार के सेहो शिक्षा पर बहुत ध्यान दिए पड़ते मधेस के जनता मधेस के लोग हरेक व्यक्ति के शिक्षा प्रति जागरूक हुए पड़ते सचेत हुए पड़ते शिक्षा में अपन देखल जाओ तो सरकारों तरफ से दू किस्म के नीति लाल गए सरकार अपना तरफ से राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति करे के लेल वाड़ा वाड़ा में प्रत्येक गांव में विद्यालय स्थापना तो कह देने छे लेकिन सरकार वही के कठोर नीति ल कर गुणस्तर शिक्षा के लेल सरकार ध्यान नहीं देने छे जे मधेस के लेल सबसे बड़का घातक चीज है एक तो अपने हमरा यहाँ के मधेस में हरेक व्यक्ति शिक्षा के सही अर्थ सही महत्व अखुनको तकला नहीं बुझा सकल शिक्षा के अर्थ बुझे छे जे बेटा बेटी के जागीर हेते शिक्षा के अर्थ बुझे छे जे बेटा बेटी हमर धियापुता ढौआ कमेते बेसी लेकिन से नहीं छे शिक्षा तो मनुष्य के जीवन में सक्षम होय के लेल एकटा सबसे जरूरी और आधारभूत चीज छे जै व्यक्ति के सही में शिक्षा भेट जाए छे वो व्यक्ति जीवन में सफल होई छे जीवन में वो नाम प्रतिष्ठा अपने नहीं अपन परिवार के मात्रे नहीं अपन देश के अपन ठाम के से वो नाम प्रतिष्ठा रखे छे ताई दुआरे शिक्षा में अखुन को देखल जाओ तराई में बोर्डिंग स्कूल से हो अब बहुत मात्रा में खुल रहल छे पहले के तुलना में हर जगह बहुत संख्या में बोर्डिंग स्कूल खुल गेले जनता में जकरा पैसा छे जे धनिक छे जे सक्षम छे से व्यक्ति सब बोर्डिंग स्कूल में अपन अपन बच्चा के पढ़ा रहल छे लेकिन गरीब के धियापुता जकरा पहुँच नहीं छे जकरा पास पैसा नहीं छे ओकर संख्या बहुत छे हमरा यहाँ के तराई में लेकिन वही धियापुता के बाध्य भ के सरकारी स्कूल में जाय पड़े छे जैय गुणस्तर शिक्षा नहीं छे ओहिके लेल सरकार के ध्यान दिए पड़तै ओहिके लोक के ध्यान दिए पड़तै जनप्रतिनिधि के ध्यान दिए पड़तै अभिभावक के ध्यान दिए पड़तै ओहि सरकारियो स्कूल के एहन बनबऽ पड़तै जबकि एतेक स्रोत छै साधन छै राज्य के कोष के लगानी छै अर्थ के लगानी छै तै शिक्षा क्षेत्र के तै विद्यालय के गुणस्तर बढ़बै के लेल हरेक व्यक्ति के कर्तव्यनिष्ठ हुअ पड़तै बोर्डिंग स्कूल से बढ़िया क्वालिटी आ गुणस्तर शिक्षा हो या प्रदान करे के व्यवस्था करे पड़ते तकर बाद ही अपने के की हेतु त हमरा यहाँ के मधेस में शिक्षा के वास्तविक अर्थ में शिक्षा प्राप्त हेते आ हरेक क्षेत्र से गुणस्तर शिक्षा आ सक्षम व्यक्ति वही से उत्पादन हेते मेन अवस्था शिक्षा के से छे देशों में देखल जाए तखनो हरेक जगह बोर्डिंग स्कूल के चहल पहल छे जे व्यक्ति सक्षम छै ओ बोर्डिंग स्कूल में अपन धियापुता के रखे छै जे व्यक्ति सक्षम नहीं छै आर्थिक रूप से सबल नहीं छै आर्थिक रूप से सक्षम नहीं छै ओ व्यक्ति अपने के अखुन को देश के हरेक क्षेत्र में देखबे तो सरकारी स्कूल में जाए छै सरकारी स्कूल में विद्यार्थी के संख्या भरमार छै टीचर सब अपने के बढ़िया से विद्यार्थी सब का ध्यान नहीं दै छै तै लक विद्यार्थी सब बढ़िया एजुकेशन नहीं प्राप्त करे छै अखुनो सर्टिफिकेट के रूप में प्रमाण पत्र के रूप में हरेक जगह अपने देखबे तो कोई डिग्री केने छे कोई बैचलर केने छे लेकिन सही अर्थ में वो अपन जीवन चलबे वाला सक्षम नहीं छे अपनो जीवन नहीं चला सके छे परिवार के जीवन नहीं चला सके छे तो वही शिक्षा के कौन अर्थ छे अइ के लेल सरकार के उतने दायित्व लिए पड़ते सरकार के उतने कर्तव्यनिष्ठ हुआ पड़ते अइ में विशेष पहल करे पड़ते सरकार के तरफ से राजनीतिक रूप से तो विभिन्न लोभ प्रलोभन अपन अपन राजनीतिक
उद्देश्य पूरी करै के लेल सब जनता के जे हमर पार्टी ई योजना देलके कहि के विभिन्न लाइब रहल छै, लेकिन मन से कहबै, भीतरी उद्देश्य से कहबै, भीतरी प्लान से कहबै जे एकटा डिजाइन क